टॉप गन नाम से एक मूवी आती है 1986 के अंदर है। अब 2022 में टॉप गन मैवरिक आती है 35 साल बाद। टॉप गन जो 1986 में आई थी उसको मैंने नहीं देखा, ना मुझे उसकी स्टोरी पता। बहुत नाम सुना मैंने टॉप गन मैवरिक के बारे में कि काफी ज्यादा मूवी हिट हुई है, लोगों ने काफी ज्यादा प्रशंसा इसकी कर रखी है, तो लगा कि यार इस मूवी को देखा जाना चाहिए। अमेजोन के OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी रिलीज होती है और वहां मुझे इस मूवी को देखने का सौभाग्य मिला। ऐसा नहीं है कि मुझे टॉप गन जो इसकी पहली वाली मूवी थी वो मैंने मतलब मुझे उसको देखने का मौका नहीं मिला, उसको देखने का मौका मुझे मिला, लेकिन बस मैंने ऐसे ही आलस के कारण उस मूवी को नहीं देखा। फिर जब इस मूवी की मैंने तारीफ सुनी थी मैवरिक जो इसकी सेकंड मूवी थी 2022 के अंदर आई थी, तब इसको देखने का मैंने मतलब फैसला बना लिया था कि यार आखिरकार इस मूवी को देखा जाए। तो ये जब रिलीज होती है OTT प्लेटफॉर्म पर तो मैंने इस मूवी को देखा और इस मूवी को देखने के बाद जो मुझे लगा कि यार ये जो मूवी है वो डिजर्व करती है इसको थिएटर्स में देखें। भाई जब ये मूवी रिलीज हुई थी थिएटर्स के अंदर तब मतलब मेरे पास कुछ वर्क था, मैं कुछ काम कर रहा था जिस कारण इस मूवी को मैं नहीं देख पाया था, और जब इसको OTT प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा तो देखो यार छोटी सी स्क्रीन इस मूवी के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। आप वास्तव में जिस तरीके के विजुअल्स इसके अंदर देखेंगे ना आपको लगेगा कि यार ये वाकई में मूवी डिजर्व करती है कि थिएटर्स में ही इस मूवी को देखें। हाँ अब स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। मैवरिक जिसे प्ले किया टॉम क्रूज सर ने, तो यहाँ मैवरिक 30 साल पहले उसके पास कोई मिशन था, उस मिशन की पास्ट में आज भी ये फंसा हुआ था। अब वो क्या मिशन था देखो यार वो तो तब आपको पता चलेगा जब टॉप गन फर्स्ट वाली 1986 के अंदर जो मूवी आई थी वही देखोगे। अब मैंने फैसला किया कि यार एटलीस्ट उस मूवी को मैं देखूँ। इस मूवी को देखने के बाद तो मेरी काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही है कि टॉप गन जो 1986 में आई थी उस मूवी को जरूर देखा जाए। खैर इसके बारे में चर्चा करें तो देखो ये जो एक मिशन है जो पास्ट में हुआ था उसकी याद में है जो मैवरिक अभी भी फंसा हुआ है, और अब इसको एक और मिशन दिया जाता है कुछ जो नए फाइटर जेट आए मतलब कि जो फाइटर जेट लाने वाले पायलट जाए हैं उनको ट्रेनिंग देना, एक तरीके का ये मिशन जो है वो मैवरिक को दिया जाता है, उनको एक टारगेट को हिट करना है। अब यहाँ पर कौन सा टारगेट है, वो कैसे हिट करते हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मूवी देखोगे तभी पता चलेगा। मूवी के अंदर मैंने जो बार बार सीन वापस रिपीट करके देखे हैं वो इसके फाइटर जेट के सीन है। मतलब इस तरीके से बढ़िया, मतलब उसके VFX उसके विजुअल्स आप देखेंगे ना आपको लगेगा यार आप खुद उस फाइटर जेट के अंदर है, मतलब चुम्बेश्वर लेवल के वो सीन लगे मुझे बहुत बढ़िया। उसके अलावा मूवी के जो डायलॉग आप सुनेंगे ना मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद आए। मूवी में सस्पेंस भी है, मूवी मतलब सस्पेंस क्या एक ट्विस्ट भी आता है लास्ट के अंदर जब ये मूवी खत्म होती है, एंडिंग भी मतलब बहुत बढ़िया तरीके से एंडिंग इसकी रखी गई है। जिस तरीके की मैंने इसकी तारीफ सुनी थी IMDB के ऊपर, जिस तरीके से इसको रेटिंग दी गई थी वास्तव में वो ये मूवी डिजर्व करती है। आप रिव्यू देखिए कभी भी आपको मतलब IMDB के ऊपर तो आपको रेटिंग में तो शायद वो मूवी हाई मिल जाएगी, लेकिन आप उसके रिव्यू पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर लोगों ने एक्चुअल रिव्यू लिखे होते हैं तो अपनी एक थॉट के भी वो मूवी के बारे में क्या सोचते हैं तो वो बताते हैं, तो जो आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सारे ही पॉजिटिव आपको टॉप गन मैवरिक के बारे में मिलेंगे। और मुझे लगा कि यार इस मूवी में वास्तव में कोई कमी मुझे मेरी तरफ मुझे तो कुछ भी कमी नहीं लगी, मुझे बहुत बढ़िया स्टोरी लगी, विजुअल्स काफ़ी अच्छे लगे, लास्ट की एंडिंग मुझे पसंद आई, जिस तरीके से स्टोरी ने ग्रिपिंग बना रखी थी मतलब हमें स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक अपने साथ कनेक्ट करके रखा था, तो मुझे कोई भी कमी इसमें फील नहीं हुई। तो मेरी तरफ से देखो इसको मैं 10 out of 10 देना चाहूंगा। और अब तो डेफिनेटली इसकी टॉप गन जो 1986 में आई थी उस मूवी को मैं जरूर देखूंगा कि भाई उसमें क्या हमें देखने को मिला, उसके अंदर क्या स्टोरी थी, वो कौन सा मिशन था जिसमें ये सब चीजें हमें अब मैवरिक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो वाकई में मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। हिंदी डबिंग की बात करूं तो बहुत बढ़िया हिंदी डबिंग की गई है, पॉइंट टू पॉइंट डबिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू के बॉलीवुड का रेफरेंस इसके अंदर घुस ऐसा नहीं है, जो काफी अच्छी चीज है। डबिंग के मामले में बहुत बढ़िया है। वैसे भी Amazon के OTT प्लेटफॉर्म पर आप चाहे इसको हिंदी इंग्लिश कौन सी भाषा में देखना चाहे तो आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये मूवी जरूर देखें। आपको विजुअल्स के मामले में स्टोरी के बारे में मतलब ये परफेक्ट मूवी लगेगी, बहुत ज्यादा एंजॉय इस मूवी को करोगे। मैंने तो फुल एंजॉय किया इस मूवी को। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, नहीं देखिए तो जैसे मैंने रिकमेंड किया एक बार ट्राई जरूर कर लेना, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। खासकर फाइटर जेट वाले जो सीन आते हैं, विजुअल जैसे आते हैं, जैसे वो मिशन होता है, वो बहुत पसंद आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।